एक जो है बार चलाने वाले आदमी को दे दिया, जो 45 बियर बार चलाता है, बीजेपी का आदमी है, उसको टिकट दे दिया मेरे सामने। अब वो में दाऊद का आदमी है, आड़ाकारो भी है, देश दुई है। 43 बार मुझे बोल रहे हैं, 46 बार वाले को टिकट दिया उन्होंने, 43 बार दिखाए कहा है मेरा, वो मैं बेच दूंगा और वो जहाँ बोले को पैर दूंगा। मैं भीड़ नहीं होता, लेकिन मेरे को बहुत लोग बोले वो आना हो तो आपका 43 होटल है, 46 होटल है, ये मेरे भी नया है, अगर है तो बहुत बड़ी बात है, कहाँ है बता दे तो मैं आबो सिम कह के पुतला लाऊंगा दामन ना के। उनके जो धंधे चलते कोयला है, वो बिस्लो बिस्लो कुछ है जो माँ पहले के बिजनेस को तोड़ा भी था, तो ये तो जग जा ही रहे। और वीर लोग इनके भाषण से बातों मत आए, ये अब नगर पालिका इलेक्शन आया इसलिए आए, 2-2.5 साल कोविड चला गया, कभी किसी को पूछना है स्कूल के लिए भी फंड मांग रहे तो कौन दे रहे, ये गवर्नमेंट दे रहे ना, बीजेपी शुजा गवर्नमेंट है ना, इससे 2.5 साल भी उन लोग साथ में एक भी फंड दिया बताओ आज। अगर साथ अगर आप अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन हैं तो जानवी टेक्सटाइल एंड कलेक्शन को बिल्कुल ना भूलें। फॉर्मल से लेके पार्टी वेयर, वेडिंग स्पेशल क्लोथ से लेकर खुद दूल्हे के कपड़ों तक, यहाँ नॉर्मल और एवरेज से लेकर ब्रांडेड इंपोर्टेड कपड़े सभी अवेलेबल हैं। एक ही दुकान में आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप पहनना चाहते हैं। एक बार विजिट जरूर करें और स्क्रीन पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अभी मैं भी न्यूज़ में सुना और मुझे एक दो लोग बोले भी, और मैं भिवंडी के इतिहास के राजक्रम में देखा हूँ, जब भी इलेक्शन आता है तो 4 साल बाद ऐसी आबो हौसी आते और ऐसी जज्बात बात करके निकल जाते हैं। आबो हौसी खुद एक ताड़ा का आरोपी है जो जेल सजा काट चुका है और उसके बेटे को भी दुबई में इम्पेल होटल में ड्रग के केस में पकड़ा था, तो 43 बार मुझे बोल रहे हैं, 46 बार वाले को टिकट दिया उन्होंने, 43 बार दिखाए कहाँ है मेरा, वो मैं बेच दूंगा और वो जहाँ बोले को पैर दूंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिम्मेदार से कि जब भी आप उसे आते कभी कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करते, यहाँ टोरेंट का मसला है, मेरे मुस्लिम भाई लोग कितना परेशान है, कोई दिखना नहीं उनको, मेरे पास आते, हम लोग पास आते, हम तो मैजिक चौकले पास जाते, हमारे खादर पास जाते, हम लोग काम करें, आज उसके बारे में नहीं बोल रहे इतना बड़ा सवाल लेके। तालाब जो ओरल तालाब का गंदा पानी से लोग परेशान है उसके बारे में बात नहीं कर रहे, गए 6-7 महीने से भिवंडी महापालिका, आज वो MLA है, दो MLA उन लोग है, कारोबार इतना खराब था उसके बारे में बात नहीं कर रहे, ये आके भड़काओ भाषण करेंगे और मेरे मुस्लिम भाइयों को बेवकूफ़ बनाएंगे, हरदम बेवकूफ़ बनाए। हम भी राजकरण करते हैं, राजकरण होने के बाद इलेक्शन हम लोग कभी किसके बाद बारे में बात नहीं करते, रईस जो अभी MLA हुए 2.5 साल से MLA, उनका काम करते, हम लोग हमारा काम करते, हम लोग किसको आरोप ऐसा गलत और गंदा आरोप करते नहीं। तो 46 बार अगर बोले ये झूठा आदमी है जो खुद एक ताड़े का आरोपी है, दाऊद से संबंध है, पाकिस्तान संबंध है, ड्रग्स का संबंध है, ऐसे कई रिकॉर्ड है और भी बहुत कुछ रिकॉर्ड है मेरा उनके पास, वो मुंबई में रहते तो उनको पता है सिटी लोग का कैसा सब सिस्टम रहता है, तो उनको मैं बता दूंगा। लेकिन अपने राजकरण फायदे के लिए किसी को गलत बात करके राजकरण नहीं करना चाहिए। आपको अगर समाजवादी पार्टी का भला करना है, भिवंडी शहर का भला करना है तो उसके बारे में बात कीजिए, बहुत से मसले हैं और मेरे मुस्लिम समाज को हरदम बेवकूफ़ समझते, और अब मुझे लगता है मुस्लिम समाज ने भी सोचना चाहिए ऐसे आदमी को क्या करना चाहिए, जज्बात भड़काओ भाषण बीजेपी करके हिंदू मुस्लिम करके ये राजसंग करते, एक तो डेवलपमेंट बताओ इनके कारण। आज टोरंटो में मेरे पास जितने लोग आते मेरे मुस्लिम भाई बहन सब लोग, इनको कोई पूछना नहीं आज, तो वहाँ पे ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में बोलना चाहिए। बहुत से मसले भिवंडी में, बेरोजगारी, मुस्लिम बच्चों कैसे आगे बढ़ना चाहिए,
मुस्लिम स्कूल कॉलेज कैसे आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ के जो IGM हॉस्पिटल है वो कैसे बढ़ना चाहिए, कितने मसले जो गवर्नमेंट का स्कीम आया माप ना खुले, तीन तीन चार चार लाख जिसको ऑपरेशन के लिए खर्चा था वो ऑपरेशन कैसे हुए, एक छोटा सा नया हॉस्पिटल के पास बहुत से मसले ये नया करते हुए वो 43-42 वाले को दिए, वो 46-42 जहाँ जीते भी कैसे आप लोग जाते हुए करके जीते ना, हिंदू मुस्लिम करके जीते ना, अभी नहीं तो कभी नहीं करके जीते ना, आप डेवलपमेंट को जीत के बताओ। अब मैं तो बहुत खुश कर रही हूँ क्या मेरे को दोनों समाज में से बहुत प्यार मिलता है, ताकत मिलती है। हमारे आदमी मुस्लिम समाज में जब भी कोई लोग आते मेरे, हम लोग कभी देखते नहीं ना, मैं कभी एक काम देखता हूँ, हमारा आमदार महेश चोगले एक BJP का MLA, अरे हरदम बोलते BJP जाती थी करती है, आज BJP में MLA महेश चोगले के दफ्तर में ऑफिस में जितने मुस्लिम लोग काम कर रहे थे उतने किसी दफ्तर में नहीं हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई जात पात करता नहीं, भारतीय जनता डेवलपमेंट काम करता है। हमारे कबीर भाई साहब एक खासदार BJP के, आज मुझे पता क्या पता मुख्यमंत्री निधि से उन्होंने कितने मुस्लिम को भी सहायता किया, जब भी कोई सबको सहायता करते। तो हम BJP लोग रह के भी मैं भी BJP अध्यक्ष हूँ, लेकिन भी जात पात करता नहीं, हम लोग काम करते। और भिवंडी शहर के लोग को पता कि भिवंडी शहर के लोग ही देख रहे कौन क्या कर रहा है। तो जो आबू आशिफ जब भी आके फालतू बात करता है, भड़काने की बात करता है, किसी को कमजोर दिखाने की बात करता है, किसी को अपमान करने की बात करता है, तो फिर हमको भी सब ऐसे ही बोलना पड़ेगा। आबू आशिफ में दाऊद का आदमी है, ताड़ा का आरोपी है, देशद्रोही है। सर ये बोलना पड़ेगा या आपके पास कुछ पुरावा है? पूरा नेट तुम आज नेट सर्च करो, नेट सब है, मैं सर्च करके बोला नेट में मेरे बारे में उनके बारे में सब लिखा है कौन क्या दिया है। एक राजकारणी आदमी का पूरा जो बायोडाटा इलेक्शन भरता है उसमें कितना केसेस है क्या है, तो जो नेट बोलता है वो तुमको बोला, वो पूरा देना वो क्या है, मैं तो जो लिखा है वो बोल रहा। तो उन्होंने किधर देखा क्या मेरा 46 होटल है, तो मैं तो बोल रहा नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ ये पूरा के साथ बोल रहा हूँ, जो नेट से सब पढ़ के बोल रहा हूँ, कुछ मालूमात लिया, कुछ मेरे पुलिस लोग मेरे मित्र है मुंबई में उनसे मालूमात लेके बोल रहा हूँ, और भी बहुत कुछ मालूमात है। लेकिन वो जब भी राजकरण करे अपना राजकरण करे, भिवंडी शहर के बारे में अच्छा बात बोले। राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप तो चलते ही रहता है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप नहीं रहेगा तो कौन सी पार्टी कैसी है वो कैसे साबित होगा, तो इस पे कोई नई बात तो है नहीं। तो यहाँ पे अबू आसिम आजमी ने जो बात कही तो इससे भिवंडी वालों को क्या आताहत हुई? नहीं भिवंडी वाले बता नहीं, मेरे को बहुत लोग बोले वो आना आपका 43 होटल है 46 होटल है, ये मेरे भी नया है आगे किधर है, तो बहुत बड़ी बात है, कहाँ है बता दे, तो मैं आबू आसिम का पुतला लाऊंगा दामन नाके पे महापाल पास करके कि मेरा 46 होटल घूम गया था, आबू आसिम को मिला है 43-46 होटल, 46 होटल का उन्होंने कहा, तो मेरे को पता नहीं किस होटल है आबू आसिम धुने, और जो भी मुझे मिलेगा मैं उससे क्या मांगता हूँ उनको हिस्सा दे दूंगा, या तो वो बोले कि किधर यतीम खाने में, तो यतीम खाने दे दूंगा। और उनके जो धंधे चलते कोयला है वो बिस्लो कुछ है जो महापालिंग के बीच में उसको तोड़ा भी था, तो ये तो जग जाहिर है। और भिवंडी लोग इनके भाषण से बातों मत आए, ये नगर पालिका इलेक्शन आया इसलिए आए, 2-2.5 साल कोविड चला गया, कभी किसी को पूछने आए इन लोग कोविड में क्या हाल चला है, क्या कोविड ने मुस्लिम समाज में क्या हो रहा है, मुस्लिम भाइयों में क्या हो रहा है, कुछ देखने आए नहीं आए। अब इलेक्शन आए अब ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, BJP हिंदू मुस्लिम हाँ साथ में रात तो खाना साथ में खाएंगे, गाली BJP को देंगे, बॉम्बे मापाली में क्या चल रहा है, बॉम्बे मापाली यही चल रहा है, कभी तटस्थ देंगे कभी अंदर सपोर्ट दे देंगे, 10 काम खुद का करके ले लेंगे, तो ऐसे बहुत से बातें हैं। तो ये जवाब मैं इसलिए दिया कि जरूरी था कि किसको बदनाम करने की एक रिस्पेक्ट से मान सम्मान से वो उन्होंने बात करना चाहिए, अगर ऐसे बदनाम से बात है हमको भी ऐसी बात करना पड़ेगा ना। भिवंडी के अंदर जिस तरह से अबू आसिम आजमी ने बोला कि समाजवादी पार्टी बहुत विकास कर रही है, तो उन्होंने विकास रैली भी निकाली, तो ये विकास को आप किस नज़र से देखते, कि आपको वाकई में वो विकास नज़र आ रहा है? देखो सब बकवास बात, सब झूठा बात है, ये फेसबुक सोशल मीडिया में डाल के उन लोग खाली लोगों को बेकवा रहे। आपको पता है कि महापालिका में एक चैम्बर लेने के लिए 3 महीने जाते हैं, अभी शीशी रोड बना है वो एक दिन का बनाया गया, शीशी रोड जब देवेंद्र जी के वक्त का शीशी रोड है, हमारे कबीर पाटिल मंत्री महोदय का
इन्होंने इसको प्रयास किया था, महेश चोकरे ने प्रयास किया था, तो वो सीसी रोड जैसी ये गवर्नमेंट आया फिर से चालू हो गया। जो भी काम जो हो रहा है वो आईजीएम का हो, ये सब पहले का काम है। ढाई साल से सिंडिकेट ने उसको रोक, उद्धव ठाकरे जी का सत्ता रोक रखा था, ये गवर्नमेंट आती सब काम चालू हुआ। आप एक काम बताओ कि इन्होंने क्या किया, इनके नीति से कुछ किया बात अलग है, इनकी नीति से कुछ किया बात अलग। और दूसरी बात ऐसी कि बोलते बीजेपी बीजेपी, आज गवर्नमेंट बीजेपी हमारे एकनाथ शिंदे जी का है, देवेंद्र जी का। आज स्कूल के लिए भी फंड मांग रहे थे, कौन दे रहे, ये गवर्नमेंट दे रहा है ना, बीजेपी शिवसेना गवर्नमेंट है ना। इससे ढाई साल भी उन लोग साथ में एक भी फंड दिया बताओ। आज अगर शांतिनगर गरीबी नगर जो भी अगर डेवलपमेंट हो रहा है ये गवर्नमेंट के वजह से हो रहा है, मतलब ये गवर्नमेंट कभी जात पात नहीं करती। जब महापौर दलवी भी कांग्रेस के थे, जब भी हमारे देवेंद्र जी ने 52 रास्ता कल्याण का ब्रिज ड्रेनेज, कभी जात पात बीजेपी करता नहीं, हम लोग भी कभी जात पात नहीं करते। हम लोग भिवंडी के सभी नागरिक सब समाज के लोग को लेकर चलते। एक आखिरी सवाल कि जैसा भी आपने कहा कि बीजेपी कभी जात पात नहीं करती, तो क्या आने वाले इलेक्शन में एक मुसलमान बीजेपी के ऊपर भरोसा कर सकता है क्या? देखो मैं तो बोलता हूँ मुस्लिम समाज में भी बीजेपी को वोट देना चाहिए कैंडिडेट का, क्यों ये जो आपस में लड़ाते इन लोग अपने को और बाद में सब एक ही रहते। भिवंडी लेवल में शहर में कुछ तो नया होना चाहिए भिवंडी शहर डेवलप के लिए। आज मुझे बताओ, मैं भी नगर सेवक हूँ 25 साल से, मेरे एरिया में विलाकपल के एरिया में हो, कामतगर मनोज काटेगर में हो, दली साहब के एरिया में हो, बुआ साहब के एरिया, बहुत से एरिया में सब साधन है। इमरान अली मोहम्मद हो जो भी है, आप सोचो शांति नगर गरीबी नगर के पास क्या आज भी, बाकी ना जिम है ना गार्डन है ना हॉल है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबको पता है बेचारे जातिवादी करके वोटिंग लेते। तो आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी अगर मुस्लिम सामने से आएगी तो हम लोग उसको टिकट भी देंगे और पूरी ताकत भी देंगे उसको चुन के आने के लिए। उसने अपने एरिया का डेवलपमेंट का सोच के आना चाहिए। जिम्मेदार से बोलता हूँ डेवलपमेंट 100% होगा। भिवंडी के इतिहास में ब्रिटिश जाने के बाद पहली बार, देवेंद्र जाने के बाद यहाँ पे सीसी रोड, मेट्रो, कल्याण का बीच, ड्रेनेज, अभी तालाब के लिए जो बहुत बड़े 60-70 लाख का कोटि का फंड नए डेवलपमेंट मिल रहा है, सब संबंधी पानी का सेंक्शन मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे शिवसेना गड्डी कर सकती है।